हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो कैमन 30 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर ये ग्रीन लाइन आपको दिखाई देती है तो इस ग्रीन लाइन को आप ना कैसे हटा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इसे ना ग्रीन लाइन को हटाने का तरीका बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जब कभी हमारे फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर इस तरीके की ग्रीन लाइन दिखाई देती है तो हमारा फ़ोन नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। तो आपको अपने फ़ोन को यूज़ करने के लिए आपको है ना दो बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जो स्क्रीन है ना उसे आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए आपको किसी भी हाथ की दो उंगलियों का एक साथ यूज करना है, ऐसे, तब जाके फोन की स्क्रीन आपकी काम करेगी, ठीक है। और देखिए, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको अगर कोई सा भी ऑप्शन अगर ओपन या फिर क्लोज करना है, यानी कि उसे चालू या फिर बंद करना है किसी भी ऑप्शन को, तो पहले उस ऑप्शन पर एक सिंगल टैप करना है इस तरीके से, फिर उसी ऑप्शन पर डबल टैप करना है इस तरीके से, ठीक है। तो आपका वो ऑप्शन आपका चालू या बंद हो जाएगा, जो भी आप उसे करना चाहेंगे, ठीक है। ये दो बातें ध्यान रखनी है, इससे आप अपने पूरे फोन को यूज कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं इस ग्रीन लाइन को हटाना कैसे। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको ना मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है, तो ये जो सेटिंग का ऐप है इसे एक सिंगल टैप कीजिए, अब इसके ऊपर डबल टैप करना है तो आपका सेटिंग का पेज आएगा। अब इस पेज में आपको ना दो उंगलियों की मदद से पेज को ऊपर करना है ऐसे, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है स्पेशल फंक्शन पर टैप करना है, अब इसके ऊपर डबल टैप करना है तो आपका ये पेज आएगा। इस पेज में भी आपको ना पेज को दो उंगलियों से ऊपर करना है, ठीक है। तो आपको नीचे ऑप्शन दिखता है एक्सेसिबिलिटी, इस ऑप्शन को टैप करना है, ठीक है। अब इस पर डबल टैप करना है तो आपका पेज आता है। इसमें आपको नीचे टॉक बैक का ये ऑप्शन है, टॉक बैक पर टैप करना है। अब इस पर टॉक बैक पर डबल टैप करना है तो आपका ये टॉक बैक का पेज आता है। इसमें आपको यूज टॉक बैक के सामने वाले बटन को, इसको ना ये ऑन है ना तो इसे बंद करना है, तो इस बटन पर टैप कीजिए। अब इस बटन पर डबल टैप करना है तो नीचे पेज आता है। इसमें देखिए स्टॉप का ये बटन है, स्टॉप पर टैप करना है। अब स्टॉप पर डबल टैप करना है तो आपका ये जो बटन है बंद हो जाएगा और आपकी जो ग्रीन लाइन है वो आपकी हट जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि मैं कोई सा भी ऐप जब टैप कर रहा था तो ग्रीन लाइन ऊपर आ जा रही थी लेकिन ऐप ओपन नहीं हो रहा था। तो अब देखिए, मैं सिंगल टैप करूंगा तो ऐप ओपन हो जाएगा। ये देखिए, सिंगल टैप में ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं कोई सा भी जो है यहाँ पे टैप करूंगा तो ये सिंगल टैप में ओपन हो जा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके फोन की स्क्रीन पे कभी भी ग्रीन लाइन दिखाई देती है ना, तो इस तरीके से आप उसे इजीली हटा सकते हैं।